अभी एक मामला सामने आया है। नमस्कार, अभी एक मामला सामने आया है जो आपके साथ हुआ है, थोड़ा डिटेल मुझे बताएं। पहले आपका नाम बताएं। मेरा नाम अजय सिंह खंगारोत और मैं मणिपाल यूनिवर्सिटी का एलुमनाई स्टूडेंट हूँ। और पिछले साल मेरे दुबई में जॉब लगी थी, तो तब मैं अपनी डिग्री को लेकर राजस्थान सरकार हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास गया और तब मुझे पता चलता है कि जो यूनिवर्सिटी है वो बिना राजस्थान की परमिशन के बिना कोर्स चला रही है। और एक एक्ट है राजस्थान का यूनिवर्सिटी के लिए, स्केड्यूल नंबर 2, उस एक्ट में भी उस कोर्स का नाम ही नहीं है। तो ये एक अवैध कोर्स है, इलीगल कोर्स है। इसके बाद सरकार ने नोटिस इशू किए और नोटिस इशू करने के बाद यूनिवर्सिटी से जवाब मांगा, यूनिवर्सिटी उसमें पूरी तरह विफल रही और वो जवाब नहीं दे पाई। और उसके बाद सरकार ने एक रेट भी मारी इन पे। उसके बीच की बात मुझे पता नहीं है उसके बाद में क्या हुआ है, बट और इसी बीच में मेरा बहुत ही लंबा टाइम खिंच गया। इसमें 6 महीने 7 महीने 8 महीने के बाद मुझे। आपकी एजुकेशन कब की यहाँ पे, कब आप? मैंने 2014 से 2018 का मैं स्टूडेंट हूँ और मैं यहाँ पे स्टूडेंट था और बहुत ही एक सिंसियर स्टूडेंट था। आपको कैसे लगा कि फर्जी डिग्री है ये? मैं जब वहाँ गया तो सरकार ने मुझे बताया कि एक फर्जी डिग्री, और तब मुझे लगा कि ये मेरे साथ क्या एक फ्रॉड हो गया, मेरे साथ एक स्कैम हो गया। तो इसके बाद मैं एक तरीके से बहुत ही कॉलेज ने मुझे बहुत हैरेस किया, मेरी कोई बात नहीं सुनी, मैंने इनसे बात करने की कोशिश की, मेरी किसी तरह से हेल्प नहीं की। रजिस्ट्रार मैम से मैं मिला, वीसी से मुझे मिलने ही नहीं दिया गया। मुझे मैंने बहुत बार कोशिश की कि मैं वीसी से मिलूं, बट उन्होंने मुझे किसी प्रकार की हेल्प नहीं की। तो इसकी वजह से मेरे को बहुत ही प्रॉब्लम हुई है। नीतू जी ने आपके ऊपर FIR क्यों करवाई? हाँ, नीतू जी ने, मुझे नहीं पता उन्होंने FIR करने की कोशिश क्यों की है, बट उन्होंने एक लेटर जारी किया है जिसमें वो बगरू SHO को बोलते हैं कि अजय सिंह मुझे धमका रहा है, मुझे थ्रेट कर रहा है। इसी तरीके की उन्होंने एक लेटर बना के बगरू थाने में भेजा और कोशिश की कि मेरे अगेंस्ट FIR हो, बट इसके मामले में कुछ ऐसा सबूत था नहीं। तो इन्वेस्टिगेशन में पता चला पुलिस के वहाँ से, तो ऐसा कुछ सबूत था नहीं। वो बोल रही थी कि मेरे पास ईमेल आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, बट उनके पास ऐसा कोई सबूत नहीं है। बट मेरे पास सबूत है कि वो मेरे अगेंस्ट FIR करना चाहते हैं, क्योंकि मैं अकेला एक आवाज़ उठा रहा हूँ इसलिए, और मेरे साथ मेरे स्टूडेंट भी नहीं। फर्जी डिग्री का मामला ये पहली बार आया है या और भी कई बार पहले आ चुका है? मणिपाल के बारे में, जयपुर के बारे में पहले मैंने नहीं सुना था, ये फर्स्ट टाइम है मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर में ये एक फर्जी डिग्री का मामला सामने आया और वो मेरे थ्रू आया। और इसका भी मुझे मेरे ग्रेजुएट होने के 4 साल बाद पता चलती है, जब मेरी दुबई में जॉब लगती है तब मुझे ये पता चलता है कि ये मेरे साथ स्कैम हो गया, बहुत ही बड़ा स्कैम, और जितना बड़ा मणिपाल है उतना ही बड़ा मेरा स्कैम हुआ है मेरे साथ। तो आपने ये सब चीज़ें आपने बताई यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ से कोई रेस्पॉन्स आया आपके पास? उन्होंने मेरा इतना टाइम वेस्ट किया, आज मेरे को 18 महीने हो गए मैं इधर उधर भटक रहा हूँ, बहुत कोशिशें कर रहा हूँ और इकलौता लड़ रहा हूँ। मैं न्यूज़ के पास जाता हूँ, न्यूज़ मेरे छापते नहीं है। मैं अखबार के पास जाता हूँ, वो मेरे को मना कर देते हैं, जब वो मणिपाल का नाम सुनते हैं वो सीधा फ़ोन काट देते हैं। तो मैं बहुत घुमा हूँ, 2 महीने से मैं न्यूज़ के पास ही घूम रहा हूँ, बट मुझे ऐसी कोई उनसे सहायता नहीं मिली है। बट मैं GTV और आप सब लोगों का थैंक यू करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने मेरी आवाज़ पूरे राजस्थान में पहुँचाई।